नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में गांव हरसौली में आर्मी के जवान इमरान की दुखद मौत पर संवेदना प्रकट करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव बलियान। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने मृतक इमरान के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने परिजनों की मांग पर गांव के मृतक इमरान के याद में गेट का निर्माण करने का आश्वासन दिया और गांव वालों को कहा कि मैं अपनी तरफ से गांव में मृतक इमरान की याद में गेट का निर्माण करवाऊंगा, आप जगह फाइनल करके बताएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इमरान के बच्चों की शिक्षा अच्छे स्कूल में हो, इसलिए मैं दोनों बच्चों के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराकर उनकी उचित और अच्छी पढ़ाई में मदद कराऊंगा, जिससे बच्चा बड़ा होकर मृतक इमरान के पद चिन्हों पर चलकर आर्मी में देश की सेवा करे। गाँव वालों और परिवार वालों ने कहा कि कुटुबा और हरसोली एक ही परिवार की तरह रहने वाले लोग हैं, हमने कभी कोई भेदभाव नहीं समझा और मंत्री जी आप भी परिवार का हिस्सा हो। वही मंत्री संजीव बलियान ने कहा कि इमरान के परिवार की हर संभव मदद की कोशिश करेंगे। मंत्री संजीव बलियान ने कहा कि मेरे लिए ये परिवार भी मेरा ही परिवार है, मेरे ही बच्चों की तरह इनकी पढ़ाई लिखाई और आर्थिक मदद में जो मदद सरकार करेगी उससे ज्यादा मैं खुद करने की कोशिश करूंगा। मुझे मृतक इमरान की मौत का बड़ा दुख है, वह हमारे परिवार का साथी था जो देश की सेवा कर रहे थे। वही कल की मंत्री संजीव बलियान के छोटे भाई विवेक बलियान भी इमरान के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे थे, जिसकी जानकारी मंत्री ने गांव वालों को दी। मंत्री ने कहा कि देश की सेवा और सुरक्षा करने वाले सिपाही का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो सबका होता है। मेरा सेना के उच्च अधिकारियों से सरकार में भी बात हो चुकी है, हर तरह की मदद का प्रयास होगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने साथ सांजक ग्राम प्रधान लुकमान व और भी कई ग्रामों के प्रधान मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। मंत्री जी इमरान के यहाँ क्या परिवार से मतलब क्या पीड़ा होगा? देखिए, फौजी की मृत्यु हुई है, अभी कारणों का तो पता नहीं लग पाया। मेरी आर्मी अफसर से बात हुई थी कल, उन्होंने कहा कि कोर्ट कैरी के बाद बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों में इमरान की मृत्यु हुई है, लेकिन एक फौजी तो पूरे गांव का पूरे देश का होता है। आज परिवार से मिला हूँ, परिवार की तरफ से थी कि उसकी याद में गेट बनवाया जाए या कुछ और सरकार की तरफ से हो, यही है कि एक बार मृत्यु का कारणों का पता लग जाए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो जाए, जो सरकार की तरफ से संभव होता है तो इमरान के परिवार को दिलवाई जाए। इस तरह के कई केस जिले में और अन्य जिलों में सामने आए। देखिए, कई बार अब ऐसा होने लगा जहाँ फौजी की मृत्यु होती है, जिले में कई जनपद हो चुके, तो एक बात आती है वहां से शहीद का दर्जा दीजिए या वो, ये शहीद का दर्जा देना किसी मंत्री विधायक सांसद के हाथ में नहीं है। इसके लिए पहले से ही कुछ नियम है कि शत्रु देश के साथ लड़ते हुए मारा जाएगा या आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए मारा जाएगा, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कई बार कुछ भ्रम फैलाया जाता है, तो जनपद में इस तरह के 5 केस हो चुके हैं करीब पिछले दिनों, मोहनपुर मॉडर्न में हुआ, उसके बाद गढ़ी नवाबाद हुआ, अलावलपुर में हुआ, अभी लाख में हुआ, अभी उसमें। लेकिन ये नियम स्पष्ट है कि शहीद का दर्जा पहले से जो नियम है उनके तहत ही दिया जा सकता है। मंदी कल एक माहौल क्रिएट हो गया था यहाँ पर इस तरह का एचएम को लेकर के, हिंदू होता तो ये मिलता, मुस्लिम है तो नहीं मिला, ये मतलब इस तरह के लोगों की मांग। देखिए जी, इन 5 केस का मैंने जिक्र किया, सब अलग अलग बिरादरी के थे। लाख वाले कश्यप थे, मोहनपुर मरने वाले जोगी थे, अलावलपुर और गढ़ीनो वाले जाट थे, और ये मुस्लिम परिवार से। पांचों की एक ही परिस्थिति है, पांचों को उतनी ही मदद मिलेगी। इसमें कहीं जाति धर्म, कम से कम मैं निवेदन करूंगा सभी से कि जाति धर्म को अपने उसमें रहने दीजिए, कम से कम फौज के साथ मत जोड़िए, फौज तो देश की रक्षा के लिए, उसमें कहीं जाति और धर्म की कोई बात नहीं। आपका नाम? चौरा जी, आपने अपने बेटे को क्या कहेंगे? बेटे कितना गम है, किस तरह से परिवार दुखी है? मैंने अपने बेटे को सर देश के लिए शहीद, देश के लिए शहीद होया, अपने बेटे का मुझे बहुत गर्व है, उसके जगह मेरा पोता भेजा, जब भी मुझे गम, मेरे बेटे के लिए शहीदी मिलनी चाहिए और गेट बन जाए मेरे बेटे कांटे का, मेरे बेटे के लिए शहादत मिल जाए, बस ये मांग है। कितने साल से हो गए? 9 साल हो गए भाई, फौज मंगा सेना के लिए, छोटे छोटे पहाड़ पर वश कर दे दिया था, यही दुआ थी, यही दुआ सबसे।
सब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर देश के जवान बनाओ और